हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे एंजल वन के जो वेब पेज है उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं कि एंजल वन ने आप लोगों के लिए बहुत शानदार फीचर यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। और ये वीडियो खाली एजुकेशन के पर्पज से और नॉलेज के पर्पज से आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर जो भी बाय सेल आप लोगों को बताया जाएगा वो एग्जाम्पल के रूप में, नॉलेज के रूप में बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन है, और निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, और आप यहां से कैंडल बदल सकते हैं, यहां से अपना जो भी इंडिकेटर है वो भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडिकेटर है दोस्तों वो बढ़िया, यहां से सर्च कर लेते हैं। इंडिकेटर है दोस्तों बोलिंजर बैंड का, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पर हमने सर्च कर लिया, ये देखिए। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर चार्ट पर लग चुका है। आप चार्ट पर लगने के साथ ही दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से यहां तक वाली आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। अब ये ट्रेंड लाइन के साथ ही अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा नीचे भी लेकर आता हूं तो आपको यहां से देखने को मिलेगी, ये देखिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, इसका कलर येलो कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या मोमेंटम दिख रहा है, ये देखिए। यहां पर रिजेक्शन लिया, फेल हुआ, यहां तक आया, ठीक है। अब यहां पर रिजेक्शन फेल हुआ तो यहां तक आ रहा है, मतलब दोस्तों ये लेवल अगर आप मानो तो दोस्तों 18,500 का हमें देखने को मिल रहा है। 18,500 का लेवल ब्रेक हुआ, यहां पर लगभग दोस्तों 18,400 का लेवल ब्रेक हुआ था, ठीक है। मतलब यहां पर फेल हुआ था, नीचे आया, यहां से रिकवरी ली। अब रिकवरी ली तो यहां तक, अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब ये मान के चलिए कि 18,250 का जो लेवल रहेगा वो एक सपोर्ट का काम करते हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर इतने जोन में दोस्तों कहीं पर भी सपोर्ट लेवल नहीं है, आप देख सकते हैं। खाली सीधा हमें वो 18,240 रुपए के पास ही देखने को मिल रहा है निफ्टी का, और जब तक 18,500 का ऊपर लेवल ब्रेक नहीं होगा जब तक दोस्तों वो कंफर्ट जोन में हमें देखने को नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और मोमेंटम की अगर हम बात करें, जैसे कि बड़ा कैंडल लगाते हैं, तो बड़ा कैंडल अगर मैं वीकली कैंडल लगाता हूँ निफ्टी का, ठीक है, तो वीकली कैंडल पर हमें क्या परफॉर्मेंस दिख रहा है आप देख सकते हैं। वीकली कैंडल पर हमें ये दिख रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक टू बैक यहाँ से जब सपोर्ट लिया था दोस्तों फर्स्ट टाइम, ये देखिए यहां से, तो यहां तक आया था, मतलब 18,800 तक आया था, ठीक है। फिर से सपोर्ट लेके अब बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, तो उम्मीद यही है कि इस बार दोस्तों निफ्टी को इस लेवल से ऊपर निकलना चाहिए, तभी दोस्तों वो मजबूत में आएगा और अच्छा सा खासा कंफर्ट जोन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक अच्छी जोन में चले जाएगा, ये हम मान के चल सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें 1, 2, 3 और यहां से रिजेक्शन बना के डबल से नीचे आता है, तो एम पैटर्न हमें बनते देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल एकदम हायर देन 18,800 का भी हमें देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी को एनालिसिस कर लिया, अब यहां से बैंक निफ्टी को सर्च कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी सर्च कर लिया है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, नीचे ऐड पे करेंगे तो वो वॉचलिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का हमने लगा लिया है। अब बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट का तो लगा लिया है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ये वाली, ये लेवल पे, ठीक है। ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसको मैं इसमें कर देता हूँ, ठीक है। ये लेवल देखने को मिल रहा है 43,600 का, रिजेक्शन लिया, फेल हुआ, यहाँ पर लिया, फेल हुआ, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ, ये देखिए फेल हुआ, यहाँ पर फेल हुआ, मतलब दोस्तों बड़ी मुश्किल से यहाँ से ब्रेकआउट मिला था। 43,600 को जैसे ही ब्रेकआउट मिला था स्टॉक बहुत ऊपर गया, बहुत मतलब बहुत, लेकिन दोस्तों 44,100 का जो लेवल है वो सही ढंग से यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया। और आज की डेट में अगर हम एक जोन बनाएं, ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं एक जोन बनाता हूँ, ये लेवल से लेके ये लेवल तक, मतलब दोस्तों वो इसी जोन में काम करते रह गया। 44,100 रुपये के लेवल से लगभग 43,900 रुपये के बीच में काम करता रह गया। तो जब तक दोस्तों वो 44,100 रुपए का जो लेवल है वहां पर ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा। अब यहां से अगर और नीचे आता है तो 43,600 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करते हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बढ़िया तरीके से निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लिया है, और एनालिसिस खाली एजुकेशन के पर्पज से किया है। अब मान लीजिए अगर आपको वेब पेज पर एनालिसिस करने के साथ यहीं से पोजिशन भी लेना है, तो आप यहां पर जैसे ही जाओगे तो आपको बाय का और सेल का ऑप्शन दिखेगा, बाय करना या सेल, तो बाय करना। चलो बाय पे क्लिक किया, तो कितने लॉट बाय करना है दोस्तों, तो हमें 2 लॉट बाय करना है। तो ये 2 लॉट फ्यूचर में बता रहे हैं, ठीक है, किस प्राइस से करना है, तो हमें बाय करना है दोस्तों 43,900 के प्राइस से,
ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दो लॉट कितने में आ रहे हैं, फ्यूचर में बैंक निफ्टी के, वो बता रहा है। प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। आपका ऑर्डर दोस्तों जैसे ही सबमिट होगा आपका जो प्रॉफिट और लॉस है यहीं पर वेब पेज पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ईजी दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को यूज करना। और उसी के साथ साथ आप अगर दोस्तों एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पर भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत शानदार फीचर लेकर आए हैं। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं आप लोगों को दोस्तों हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है वो देखने को मिलेगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन है एंजल वन का वो ओपन किया है। इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों इंस्टाटेड, ठीक है। ये एक बहुत शानदार फीचर है दोस्तों एंजल वन का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर दोस्तों हमें सारी सुविधा मिलने वाली है, दूसरे किसी भी पेज पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी यहीं पर मिल रहा है, बैंक निफ्टी भी आप लोगों को यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस देखना है यहाँ से देख लो, टाइम फ्रेम जो भी लगाना है यहाँ से लगा लो, कैंडल यहाँ से लगा लो, साथ में अपना इंडिकेटर यहाँ से लगा लो। किसी स्टॉक को सर्च करना है तो दोस्तों ये ब्लू कलर का आइकॉन दिया यहाँ से सर्च कर लो, चार्ट को यहाँ से एनालिसिस कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से कॉल ले लीजिए, यहाँ से पुट ले लीजिए, जो भी ऑप्शन चेन देखना है यहाँ से देख लो, जो भी ऑर्डर लगाओगे वो यहाँ से देख लो। सारी चीज़ें हमें यहीं पर मिल रही है, दूसरे किसी पेज पर हमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कॉल लेना है, ठीक है, तो ये बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है, बाय कॉल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, उसके साथ ही दोस्तों लॉट डालने का रहा है। यहाँ पर निफ्टी का मैं बता रहा हूँ तो हमें 5 लॉट लेना है। तो ये दोस्तों ऑप्शन में 5 लॉट इस प्राइस से कितने के आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही में बाय पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कन्फर्म का आया। कन्फर्म पर दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो ऑर्डर है दोस्तों वो सबमिट हो जाएगा। ऑर्डर दोस्तों जैसे सबमिट होगा हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है मैं आपको दिखने लगेगा। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करो, इंस्टाट्रेड को फटाफट से यूज करो और हमारे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो वीडियो था ये दोस्तों खाली एजुकेशन के पर्पज से और नॉलेज के पर्पज से था। यहाँ पर जो भी आपको बाइंग सेलिंग बताया गया है ये खाली एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। तो थैंक यू दोस्तों।